अगर आपको कोई कहेगा कि सोलर पावर लगाने से कोई फायदा नहीं है तो क्या आप मानेंगे? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो ये प्रूव हो चुका है, बहुत सारे कंज्यूमर्स बहुत सारे सालों से सोलर पावर लगाते हैं और काफी बचत करते हैं, और बचत के अलावा ये नेचर को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर जब हम डिसाइड करते हैं कि सोलर पावर लगाना है, तो हमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हमारे पास फंड है, क्या हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने की कैपेसिटी है, क्या हम परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा उसका रिस्क ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑब्स्टिकल या तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आती है, और ये काफी चैलेंजिंग चीज है जब भी आप सोसाइटी के लिए या तो अपनी कंपनी के लिए सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, और अगर आप डिसाइड करते हैं और आप प्रपोज करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस इसके जो रिस्क है इसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे और कैसे इसको सुलझाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये आता है कि जहाँ पर आप खुद इन्वेस्ट नहीं करके कोई इन्वेस्टर जो है वो आपके छत पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा और उसको आपको वहां से पावर देगा और आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट पर पावर का चार्ज करेगा। तो इसको कहते हैं ओपेक्स मॉड्यूल या तो पावर परचेज एग्रीमेंट। तो आपको एज अ कंज्यूमर आपको पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करना है कोई इन्वेस्टर के साथ में, जो इन्वेस्टर आपके छत पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा और आपके साथ में ये एग्रीमेंट कर आपको डिस्काउंटेड रेट पर पावर सप्लाई करेगा। अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो सोलर पावर का पावर परचेज एग्रीमेंट है, उसमें मुख्य जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो सोलर पावर प्लांट जो है वो तो 25 ईयर्स तक चलता है, लेकिन ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, इतने ड्यूरेशन के लिए होता है। और ये एग्रीमेंट के मुताबिक आपको इन्वेस्टर अपने पावर प्लांट से आपके सोसाइटी को या आपकी कंपनी को पावर सप्लाई करेगा और वो एक डिस्काउंटेड रेट रहेगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम यहाँ पर महाराष्ट्र में एक सोसाइटी को पावर प्लांट पीपीयू मॉड्यूल पर हमने लगाया है, तो अभी ये जो एग्रीमेंट है वो हम 15 साल का कर रहे हैं, और अभी जो वहां का रेट है उसमें हम डिस्काउंट करके करीब 60% डिस्काउंटेड रेट पर हम इनको पावर सेल करेंगे, जिससे उस सोसाइटी को लगभग 60% सेविंग होगा 15 साल तक। तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो पहला होता है टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, दूसरा होता है कि रेट पर यूनिट। तो जो ये रेट पर यूनिट जो होता है, जो डिस्काउंटेड रेट होता है, वो रेट पर यूनिट या तो आप 15 साल तक सेम रख सकते हो, या तो आप ये जो रेट है उसको हर साल 1% 2% इससे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पावर रेट है वो 10 साल बढ़ता है। जैसे हमारा ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट 10 ईयर्स में पावर का रेट जो है वो लगभग डबल हो चुका है। तो इस तरह से पावर रेट हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आप अपने पीपीए एग्रीमेंट जो है उसमें भी जो पावर का रेट पर यूनिट है, सोलर पावर जो आप एज अ कंज्यूमर इन्वेस्टर से खरीदेंगे हर साल, वो या तो आप सेम नंबर रख सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख सकते हैं, या तो हर साल वो कोई परसेंटेज से बढ़ेगा। तो ये हो गया दूसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज है कि हम जो बिल है उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो इन्वेस्टर है वो कंज्यूमर पर हर महीने बिल देगा, जैसे कि हर महीने फॉर एग्जाम्पल से अभी 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल को शाम को 6 बजे रीडिंग होगा सोलर पावर प्लांट का, जहां पर आपको अप्रैल मंथ का जो जनरेशन हुआ है वो कितना हुआ है वो आप रीडिंग करेंगे, जिसको आप इन्वर्टर से रीडिंग करेंगे, फिर जनरेशन मीटर से रीडिंग करेंगे, इसके अलावा आप जो नेट मीटर है उसके भी रीडिंग कर सकते हैं, जहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारी डिटेल्स होती है। तो ये रीडिंग के मुताबिक जो से 31 मार्च को जो रीडिंग था और 30 अप्रैल को रीडिंग था, तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो अप्रैल मंथ का रीडिंग है, ये रीडिंग को वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जनरेशन का, सोलर जनरेशन, इसको आप यूनिट रेट जो फिक्स हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो इन्वेस्टर आपको एज अ कंज्यूमर बिल करेगा, और ये बिल जो है आपको 7 तारीख तक इन्वेस्टर को पे करना है। तो ये तीसरा जो फैक्टर है वो बिलिंग का फैक्टर है। तो आपको हर महीने जो सोलर का बिल आता है वो आपको इन्वेस्टर को पे करना है,
और ये जो यूनिट्स जनरेट हुई है हमारे सोलर पावर प्लांट से, उतनी यूनिट हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कम लेते हैं, और काफी ड्रास्टिक जो सेविंग है वो यहाँ पर होता है।